Good morning, everyone, and welcome to this Unit 2 Connections and Lecture 8 Numerical on Design of Buttwheel. In this session, we will see overview of design of buttwheel. So, हमने last class में भी design of buttwheel किया है, but आज हम लोग क्या करेंगे कि उसका एक recap करेंगे और चीजों को समझेंगे और अच्छे तरीके से. And then we will go to numericals on strength calculation. ऐसे हम लोग numerical last class में भी हमने किया है. एक न्यूमेरिकल और इसमें भी हम लोग चार पांच न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिससे आपको जो बट वेल्ट का डिजाइन है वो क्लियर हो जाएगा. राइट, एंड देन वी विल गो टू इंट्रोडक्शन टू फिलेट वेल्ट और हम लोग देखेंगे कि फिलेट वेल्ट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग जो हम लोग में देखते हैं, पहला चीज जो आप यहाँ देखेंगे दैट इज बट वेल्ट. जो बट वेल्ट आप यहाँ देख रहे हैं अलग अलग टाइप्स के यहाँ दिख रहे हो हम आपको. एक यहाँ देखिए सिंगल वी बट वेल्ट दिख रहा होगा. राइट, एक सिंगल यू बट वेल्ट दिख रहा होगा. एक यहाँ देखेंगे डबल वी बट वेल्ट एंड डबल यू बट वेल्ट. राइट, तो सिंगल वी बट वेल्ट और डबल वी बट वेल्ट दोनों में कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको ये समझ लेना है कि कौन सा किस पेनेट्रेशन का केस है. राइट, मैंने आपको दो चीजें बताई थी. एक बताया था हमने पार्शियल पेनेट्रेशन बट ज्वाइंट. राइट, ये जॉइंट हमने आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में पार्शियल पेनेट्रेशन. और एक हमने बताया था आपको कंप्लीट पेनेट्रेशन जॉइंट. तो दोनों में क्या डिफरेंस था, तो दोनों के अलग अलग क्या केसेस हो सकते हैं, दोनों में क्या क्या हमको जॉइंट आएंगे, ठीक है, वो देखना है. तो पार्शियल पेनेट्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें जो पूरा आपको ये थिकनेस दिख रहा है वो पूरा पेनेट्रेट नहीं हो रहा, पूरा वेल्ड नहीं हो रहा है, थोड़ा पोर्शन उसमें बच रहा है. राइट, तो जो भी हम लोग यहाँ पे सिंगल वी की बात कर रहे हैं, सिंगल यू की बात कर रहे हैं, ये किस केस में आएगा, तो ये आपका जो भी है ये इस केस में आ जाएगा. राइट, पार्शियल पेनेट्रेशन केस में आएगा. और जो ये दोनों चीजें देख रहे हैं ये आपको किस में आएगा, ये कंप्लीट पेनेट्रेशन में आएगा. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना है. तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि पार्शियल पेनेट्रेशन गिवन था. राइट, केस हमको बता दिया कि पार्शियल पेनेट्रेशन आपको लेना है. लेकिन अगर हमें पार्शियल पेनेट्रेशन नहीं दे के हमको सिंगल वी बट वेल्ट दे दे, सिंगल यू बट वेल्ट दे दे, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको हम समझ जाएंगे. यहाँ ये पार्शियल पेनेट्रेशन केस है और इसमें हम लोग जो थ्रॉट थिकनेस है, ठीक है, बेसिकली हमको ये दोनों से कहाँ पे फर्क पड़ रहा है, तो थ्रॉट थिकनेस निकालने में, है ना. यहाँ पे थ्रॉट थिकनेस हम लोग निकाल देते वही पे हमको ये फर्क पड़ता था. तो थ्रॉट थिकनेस हमको निकालना होता है, हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का वेल्ट है. तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के जो भी यहाँ टाइप्स ऑफ बट बेल्ट देख रहे हैं, इसमें आपको जब भी सिंगल यू सिंगल वी दिया रहे तो आप समझिए वो पार्शियल पेनेट्रेशन केस है. जब भी डबल यू डबल वी दिया रहेगा तो समझ लीजिए वो कंप्लीट पेनेट्रेशन केस है. और दोनों को हम लोग उस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है. तो टीटी निकालने के लिए आपको जब भी हम लोग पार्शियल पेनेट्रेशन की बात करते हैं तो मैंने बताया था 5/8 इंटू टी, एंड यहाँ पे टी क्या होता था, सो टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर. और जब हम लोग डबल पेनेट्रेशन या कंप्लीट पेनेट्रेशन या फुल्ली पेनेट्रेशन इस तरह की चीजें, तो यहाँ पे आपको जो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है उसके इक्वली हमारा थ्रॉट थिकनेस हो जाता है. और थ्रॉट थिकनेस जैसे ही पता चलता है हम लोग डिजाइन कर लेंगे. राइट, क्योंकि ये सारी चीजें हमको पता है, ठीक है. तो ओके, चलते हैं आगे. राइट, तो चलिए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं चीजों को. तो डिजाइन ऑफ बट वेल्ट में सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखते हैं कि उसका साइज क्या होगा. तो साइज ऑफ बट वेल्ट, राइट, तो साइज ऑफ बट वेल्ट हम लोग ये जो है कैसे पता करेंगे, तो ये हम लोग पता करते हैं जो थ्रॉट थिकनेस होता है उसी से हमारा साइज डिनोट हो जाता है, पता चल जाता है. तो थ्रॉट थिकनेस निकल गया मतलब वही साइज ऑफ हो गया बट वेल्ट टी टी. राइट, तो ये क्या होगा आपको दोनों केस में अलग अलग होगा, 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर या टी. ये किस केस में होगा, जब ये पार्शियल पेनेट्रेशन का केस होगा, ठीक. और ये कब होगा, जब यहाँ पे कंप्लीट पेनेट्रेशन का केस होगा, ठीक. ये चीज है पार्शियल पेनेट्रेशन या कंप्लीट पेनेट्रेशन, दोनों में से ये लेना है. और टी आपको जरूर से यहां देखना पड़ेगा कि थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर ही हो, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर. राइट, ओके, सपोज यहाँ पे हम लोग दो मेंबर ले लेते हैं. राइट, एक हमने ले लिया है जो कि हमारा 15 mm का है, ठीक. और एक हमने मान लिया कि हमारा यहाँ पे ये इसका थिकनेस थोड़ा सा कम है, इसको हम लोग मान लिया कि 12 mm का है.
चलिए थोड़ा सा ठीक है, इसको हम दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमको इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मानिए जैसे ही वेल्डिंग हो, यू हो, डबल यू हो, ठीक है, इस तरह कोई वेल्डिंग होगा, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का हम लोग को थिनर कौन सा है, कौन सा कम है। तो जब देखिएगा 12 इज लेस, राइट, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, टी हम 12 ले लेंगे, और उस हिसाब से फिर हम लोग टी टी निकाल लेंगे बेस्ड ऑन पार्शियल पेनिट्रेशन कैसे, कंप्लीट पेनिट्रेशन कैसे, या किस टाइप का ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है, सॉरी बट वेल्ड है, जो मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि जब भी सिंगल यू होगा या सिंगल वी होगा उसको आप पार्शियल बोल रहे हैं, जब भी उसको डबल की बात करें उसको कंप्लीट में ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज कर लेंगे, जैसे ही साइज निकल गया हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में साइज निकल गया उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका एरिया है, इफेक्टिव एरिया, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इफेक्टिव एरिया हम लोग निकालने के निकाल लेंगे, राइट। इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल टू लेंथ ऑफ वेल्ड इन टू टी टी। अब लेंथ ऑफ वेल्ड कहाँ से आएगा, तो लेंथ ऑफ वेल्ड क्या होगा, जहाँ जितना आपको लेंथ में, जितना डिस्टेंस में यहाँ पे वेल्डिंग करनी है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए विड्थ इसका जो होगा उसी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, या मान लीजिए अगर पूरा विड्थ में नहीं है, थोड़ा कम विड्थ में है, तो उसको हम लोग उतना ले लेंगे। तो जितना लेंथ हो, जितना भी वेल्ड हुआ है जितने लेंथ में, उसको आपको एल ले लेना है, और उसको टी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए ही निकल जाएगा। और जैसे ही हमारा ये निकल जाएगा, उसके बाद हमको क्या है, सीधा स्ट्रेंथ निकालना होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड अगर कहें तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपको ए इंटू सिग्मा टी एफ, और टी एफ आप, सिग्मा टी एफ आपको पता है, जो सिग्मा टी एफ जो होता है परमिशिबल स्ट्रेस इन वेल्ड, ठीक है, बट वेल्ड। तो बट वेल्ड में जो हमारा परमिशिबल स्ट्रेस है सिग्मा टी एफ, ये आपको पता होगा 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जो टेबल मैंने आपको बताए थे। तो ये बेस्ड, ये हो गया शॉप के लिए, राइट। और जैसे हम लोग फील्ड की बात करें, साइड पे जाएंगे, तो वहाँ पे 80% तक इसको रखेंगे, राइट, वो चीज़ें। तो यही है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं, और ये चीज़ें आप लोग एक बार फिर से ये पढ़ेंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको सारा डिजाइन का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। ओके, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आते हैं। एक क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो हियर टू प्लेट्स ऑफ साइजेस 200 mm इंटू 12 mm एंड 200 mm इंटू 14 mm आर टू बी ज्वाइंट बाई बट वेल्डिंग। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इफ इट इज फुल्ली पेनेट्रेटेड, एंड सेकेंड पूछा जा रहा है इफ इट इज पार्शियली पेनेट्रेटेड। दो चीजें यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद जो परमिसिबल स्ट्रेस यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम समझ जाएंगे कि ये शॉप बेल्ट की बात हो रही है, ठीक है। शॉप बेल्ट के हिसाब से आपका जो परमिसिबल है वो ले लेंगे, ठीक। सो गिवन हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं, गिवन डेटा, ओके। सो वी हैव टू प्लेट्स, सो दोनों का हमारा साइज दिया हुआ है, तो विड्थ तो एक ही है, डेट इज 200 mm, ठीक है। थिकनेस की बात करेंगे, तो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर हमें लेना है, तो 12 और 14 में दोनों में आप देख लीजिए कि दोनों में कौन सा छोटा है, तो यहाँ 12 छोटा है, इसलिए ये हो गया 12 mm, है ना। दिस इज द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर दैट इज प्लेट, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें और, तो और चीज़ें एक मान लिया जाए, एज्यूम हम लोग कर लेते हैं कि सॉफ्ट बिल्ड की बात कर रहे हैं, है ना। सॉफ्ट बिल्ड के लिए जो हमारा परमिशिबल है सिग्मा टी एफ जो है, दैट इज 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है, जो आपको मैंने बताया होगा। अब हमें निकालना है स्ट्रेंथ, तो दोनों केसेस को लेके चलेंगे। सबसे पहले जो एक केस है आपको देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा पहला केस, दैट इज फुल्ली पेनेट्रेटेड ज्वाइंट की बात करेंगे, तो केस वन, ठीक है, फुल्ली पेनेट्रेटेड, ठीक है, ज्वाइंट। इस केस में जब फुल्ली पेनेट्रेटेड की बात करेंगे, दैट इज कुछ इस तरह का होगा, समझिए इस तरह का समझ लेते हैं हम लोग कि डबल यू डबल भी आपको एक ही मान सकते हैं, इस तरह का कंप्लीट पेनेट्रेशन का यहाँ पे केस है। और एक होगा मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा प्लेट होगा, सॉरी थिकनेस कम होगा, एक का ज़्यादा होगा, जैसे ये 12 mm होगा तो ये आपको 14 mm होगा, इस तरह से 12 और 14 होगा,
है, तो मिनिमम है वो टी हमने ले लिया, डेट इज टी आपका 12 आपने रिज्यूम कर लिया 3 नवंबर का। तो फुल्ली पेनिट्रेटर केस में क्या होता है कि जो आपका थ्रॉट थिकनेस है डेट इज इक्वल टू थिनर मेंबर का जो थिकनेस होगा उसके बराबर हो जाएगा। सो टी टी हमारा हो जाएगा डेट इज 12, राइट। तो टी टी जो हमारा 12 अगर हमारा हो गया तो अब हम लोग क्या करना है, अब हमको निकालना पड़ेगा इफेक्टिव एरिया। सो इफेक्टिव एरिया क्या होता है, लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू टी टी। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ वेल्ड क्या होगा, ठीक, तो जो प्लेट है ये जो है आपका देखिए 200 mm का इसका ये जो लेंथ आप ये दिख रहा होगा विड्थ, तो इतना ही हम लोग वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग वेल्डिंग करने जा रहे हैं, इसको वेल्डिंग करिएगा तो टोटल आपको लेंथ लगेगा 200 mm, है ना। ये इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहे हैं, दिस इज इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव, और एक और चीज़ मैं यहाँ बताऊँ आपको कि हम लोग यहाँ इफेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, राइट, क्योंकि जब हम लोग इसको वेल्डिंग करेंगे इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिकली जो फील्ड में वेल्डिंग करेंगे, तो होता क्या है कि ये जो लेंथ है एक्चुअल जो लेंथ होगा वो थोड़ा बहुत ऊपर रहता है, है ना, थोड़ा सा हम लोग इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा ये जो है टॉलरेंस जरूर रहता है, है ना, लेकिन एक्चुअल लेंथ नहीं लेके हम लोग इफेक्टिव लेते हैं, जितना दूरी में हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोवाइड किया उसको लेते हैं, बाकी जो भी टॉलरेंस है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको आगे जाके डिजाइन में और पता चलेगा जब कॉलम्स का डिजाइन करिएगा, और ठीक है, तो वहाँ पे आपको इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ का डिफरेंस पता चलेगा। बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो लेंथ में जितना रन हमने किया है वेल्ड का वो ले लेना है। सो एल इज 200 mm आ गया। सो ए बराबर हो जाएगा आपको, ए क्या हो जाएगा, जो लेंथ है, लेंथ इज हियर एक्चुअली कितना है तो आपका 200, तो 200 हमारा लेंथ हो गया, 200 इंटू जो आपका टी टी है, राइट, टी टी यहाँ पे यहाँ देखिए टी टी निकाला हमने 12 mm आया, ये 12 mm टी टी है दैट इज 12। उसके बाद ये निकालेंगे तो हमारा ये करिएगा 2400 mm स्क्वायर आया, राइट। नाउ स्ट्रेंथ की बात करें, सो स्ट्रेंथ जो पी से हम डिनोट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, ए ई इन टू सिग्मा टी एफ, मतलब क्या हुआ 2400 मल्टीप्लाइड बाय 150, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द स्ट्रेंथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको जो वैल्यू आएगा वो न्यूटन में आएगा, ठीक है, तो आपको आएगा 36000, राइट, इस तरह से कुछ इतना न्यूटन आएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये 360, ठीक है, यहाँ पे एक और जीरो आएगा, ऐसा कुछ आएगा, तो 360 किलो। ये एक केस का हुआ, केस वन दैट व्हेन इट इज फुल्ली पेनिट्रेटेड। तो फुल्ली पेनिट्रेटेड केस में तो आपका ये 360 kN आएगा, लेकिन जब हम बात करेंगे पार्शियल पेनिट्रेशन का तो देखते हैं क्या आता है, राइट। चलिए ओके, सो केस सेकंड जो हमारा है इसमें देखेंगे बोला जा रहा है पार्शियल पेनिट्रेशन का ये केस है, पार्शियल, ठीक है, पेनिट्रेशन जब होगा, ठीक है, पार्शियल पेनेट्रेटेड जॉइंट या पार्शियली पेनेट्रेटेड जॉइंट बोलिए, पार्शियल पेनेट्रेशन का केस है, ठीक है। तो इसमें हमारा एक ही जो है आपको यू दिख रहा हो, मान लीजिए कोई यू हो, सिंगल यू, सिंगल बी, कोई यहाँ पे मान लिया जाए, ठीक, तो ये इधर 14 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, तो यहाँ पे कंप्लीट पेनेट्रेशन नहीं है। सो इन दिस केस जो हमारा टी टी होगा डेट वुड बी 5/8 इंटू टी, ठीक है, और जैसे ही 5/8 करेंगे, ठीक है, इंटू हम लोग टी करेंगे, डेट इज टी हमारा कितना है 12 है, सो 12 कर देंगे तो हमारा देखिए जो आएगा ये आ जाएगा 7.5 mm, ठीक है। अब हमारा टी टी देखिए यहाँ चेंज हो गया, लेकिन वहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और हो गया। अब हम लोग ए निकाल लेते हैं, सो ए इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू टी टी, और एल जो है हमारा यहाँ पे कितना होगा 200 mm, हमने एज्यूम कर लिया है कि 200 mm का रन हम ले रहे हैं विड्थ के रॉम, तो टी टी हमारा सॉरी वेल हमारा 200 हो गया, तो लिखते हैं 200 इंटू 7.5 जो हमारा ये होगा, ठीक, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.5 को, तो आपको आ जाएगा 1500 mm स्क्वायर। अब देखिए पी हमारा क्या, अब हमारा स्ट्रेंथ बट वेट जॉइंट क्या आता है, तो पी हो जाएगा ए इंटू सिग्मा टी एफ, ठीक,
अब यहाँ पे देख लीजिए 1500 हो गया ये इनटू इसके बाद जो है 150 ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 225, 1, 2, 3, 0 आएगा इस पर, कितना न्यूटन हो गया और 225 किलो, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहता है, तीसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग, टू प्लेट्स 16 mm थिक आर ज्वाइंट बाय ए डबल यू बट वेल्ड, ठीक है, डबल यू बट वेल्ड बोला जा रहा है एंड ए सिंगल यू बट वेल्ड। अब डबल जहाँ बोल रहे हैं उसका मतलब समझिए आप कंप्लीट पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, और जैसे हम लोग सिंगल यू की बात कर रहे हैं, सिंगल यू बट वेल्ड मतलब पार्शियल पेनिट्रेशन की बात करें। अगर ये चीज आप समझ गए तो क्वेश्चन बन गया सेम क्वेश्चन ये पिछले की तरह, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट इन टेंशन इन ईच केस, और टेंशन में हमें क्या करना है इसका स्ट्रेंथ निकालना है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज 150 mm, अलाउएबल स्ट्रेस इन बट वेल्ड इन टेंशन इज 142 MPa, ये हमको दिया हुआ है, मतलब अलाउएबल जो 150 होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 142 MPa पे। चलिए जो दिया है वो लेंगे हम लोग, आइए। सो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा क्या है हम वो देखते हैं, ठीक। तो गिवन डेटा हमारे पास आ गए हैं, देखिए टी जो है क्योंकि तो दोनों प्लेट 16 mm का, इसलिए टी जो है आपका 16 mm हो गया, ठीक, थिनर वही हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ दे दिया है वेल्ड का, वेल्ड जो है आपको 150 mm करना है। उसके बाद अलाउेबल स्ट्रेस इन बट वेल्ड आपका सिग्मा टी एफ जो है लिमिटेड कर दिया 142 MPa, ठीक है, इतना मतलब इतना न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसके बाद आइए हमें निकालना है दोनों केसेस में, दो चीज दिया ना, एक डबल यू बट वेल्ड और एक सिंगल यू बट वेल्ड। तो हम लोग पहला केस ले लेते हैं, केस वन जो है आपका डबल यू बट वेल्ड, राइट। हम लोग इस केस की हम लोग अब बात कर लेते हैं, ठीक है। फिगर अगर बनाएंगे आप तो दो प्लेट को ज्वाइन करना है, ऐसे कुछ फिगर आएगा आपको, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया डबल यू, ठीक है, यू। सो दिस इज अ केस ऑफ डबल यू, ठीक है, डबल यू बट वेल्ड। ये हो गया 16 mm थिकनेस प्लेट है दोनों तरफ 16, ठीक है, दो प्लेट है दोनों का साइज एक ही है। तो इन दिस केस जो हमारा ट्रॉट थिकनेस है, तो जो आप जानते हैं कि ये कंप्लीट पेनिट्रेशन का केस हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट पेनिट्रेशन के केस में आप लोग क्या करते हैं, जो थ्रॉट थिकनेस है दैट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, है ना, कंप्लीट पेनिट्रेशन। चलिए सो टी टी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा टी, और टी है हमारा 16 mm, तो ये हमारा यही रह जाएगा। उसके बाद लेंथ हमको पता है, सो ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल इंटू टी टी करेंगे, और एल जो है आपका वो 150 दिया हुआ है ना, 150 यहाँ पे हमको दिया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ देख लीजिए टी जो है निकाला हमने, टी टी निकाला हमने 16, ठीक है। तो ये चीज आ गई, अब 150 इंटू 16 कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा आपको 2400 mm स्क्वायर, फिर आ गई ये चीज, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, तो स्ट्रेंथ इक्वल टू होगा ए इंटू सिग्मा टी एफ, और ये हो जाएगा 2400 इंटू सिग्मा टी एफ आपका कितना है 142, यहाँ लिमिट करके रखा है, दिया हुआ अलाउेबल, मतलब इतना ही अलाउ किया जा रहा है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे 142 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 340, ठीक है, एंड 800, ये इतना न्यूटन आ जाएगा। अगर हम इसको किलो न्यूटन में बदलेंगे तो दिस वुड बी किलो, ओके। सो दिस इज फर्स्ट केस कि हमारा एक डबल यू बट वेल्ड का केस है और हमने सोल्व किया, तो आपको ये आ गया। बट अगर हम लोग चलेंगे सेकेंड जो है दैट इज अ सिंगल यू बट वेल्ड का केस देख लेते हैं, राइट। चलिए तो अब हम लोग आते हैं केस सेकेंड में, जो हमारा सेकेंड है केस सेकेंड, राइट, ये जो है केस ऑफ सिंगल यू बट वेल्ड का यहाँ पे आपको केस दिख रहा होगा। सो दिस वुड बी लाइक कि कोई भी एक यू या बी या कोई भी होगा वेल्डिंग इस तरह का, ठीक है।
ये जो केस है ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल पेनेट्रेशन का केस, है ना। दिस इज केस ऑफ पार्शियल पेनेट्रेशन। अब बताइए इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारा टीटी है वो कैसे निकालेंगे, जो थ्रॉट थिकनेस है ठीक है ये वाला वेल्ड का, तो ये हो जाएगा 5/8 इंटू टी, ठीक है। तो 5/8 इंटू टी हो गया 16, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 10 mm। ए निकाल लीजिए, सो ए वुड बी एल इंटू टी टी, सो एल कितना है आपका देख लीजिए एक बार, एल 150 दिया है ठीक है, टी टी आपका 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 1500 mm², है ना, ये चीज आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पीक में जाएंगे और पी निकाल लेते हैं ठीक है, स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं राइट। सो स्ट्रेंथ वुड बी पी इक्वल टू ए इंटू टी, सॉरी ए इंटू सिग्मा टी एफ, हाँ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा हमारा पी इक्वल टू ए इंटू सिग्मा टी एफ। अब इसमें पुट कर लीजिए, ए हो गया आपका 1500, सिग्मा टी एफ हो गया आपका 142। अब इसको सॉल्व करिए और अब इसको करके देख लीजिए कितना आता है, तो 1500 इंटू आपका 142 आ जाएगा 213 ठीक है, और उसमें 3 0 कर दीजिए, कितना न्यूटन आ गया, उसको हम लोग किलो न्यूटन में ऐसे बदल देते हैं ठीक है। दिस वे सो दिस इज द आंसर, ये हमारा केस सेकंड हो गया ठीक है, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया ठीक। ये चीजें तो आपको बस अगर मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज रहता है, कभी कहीं आपको कंप्लीट प्रेजेंटेशन कहीं पार्शियल प्रेजेंटेशन उसकी जगह कहीं यू कहीं भी ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ओके। सो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ है। सो इसमें क्या है, कैलकुलेट द साइज ऑफ ए सिंगल यू बट वेल्ड ठीक है, रिक्वायर्ड टू ज्वाइन टू प्लेट्स ऑफ साइज दिस, दोनों प्लेट का साइज यही है, सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड ऑफ 170 किलोन्यूटन एंड टेक परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 150 MPa ठीक है। इसमें हम लोग साइज पूछा जा रहा है, तो साइज का मीनिंग क्या हुआ, साइज मतलब क्या कहेंगे हम लोग, थ्रॉट थिकनेस की बात हम लोग को करनी है ठीक है, थ्रॉट थिकनेस हम निकालेंगे और हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे करनी है राइट। तो हमें गिवन क्या है, हम लोग को टी पता है डेट इज 12 mm, लेंथ ऑफ वेल्ड जो है हम लोग 150 कर लेते हैं राइट, जो उसका विड्थ है प्लेट का, एंड सब्जेक्टेड टू पी इज दिया हुआ आपको 170। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं जब भी डिजाइन का ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो लोड है लोड को हम लोग इक्वेट कर देंगे स्ट्रेंथ से, जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड है ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड, ये अप्रोच है ठीक है, क्योंकि ये जो डिजाइन आप पढ़ रहे हैं दिस इज WSM डिजाइन राइट, तो इसमें हम लोग दोनों को इक्वल कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो अब आइए इसमें देख लेते हैं, एक और चीज यहाँ दी हुई है हम लोग को, सिग्मा टी एफ जो दिया है दैट इज 150 न्यूटन पर mm² ठीक है, उतना MPa दिया है मतलब सेम है, ये दिया हुआ है, ये चीजें दे रखी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका एक और चीज दे रखी है कि ये सिंगल यू बट वेल्ड है, तो जैसे ही सिंगल यू बट वेल्ड बोल दिया मतलब ये पार्शियल पेनिट्रेशन का केस है, और पार्शियल पेनिट्रेशन का केस है मतलब क्या है कि हमारा जो टी टी है वो 5/8 पार्शियल पेनिट्रेशन के केस में हम लोग क्या कहते हैं, टी टी जो हो जाता है वो इक्वल टू 5/8 टी। हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं इन चीज़ों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोगों क्या है यहाँ लोड के इक्वेट करके निकालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा राइट। मतलब ये जो मैंने बताया चीज़ आपको कि लोड को हम स्ट्रेंथ के इक्वेट कर दें, दैट इज पी इक्वल टू जो लिखते हैं हम लोग एल जो ए लिखते हैं राइट, ए इंटू सिग्मा टी एफ लिखते हैं राइट, ये चीज। तो यहाँ पे ए क्या है, ए इज एल इंटू टी टी राइट, तो अगर हम इसको पुट कर ले तो हो जाएगा एल इंटू टी टी इंटू सिग्मा टी एफ, अगर इससे हम लोग निकालना चाहें तो भी टी टी हम निकाल सकते हैं, पी अपॉन एल इंटू सिग्मा टी एफ राइट। तो ये चीज है, अगर मान लीजिए हम पुट कर लेते हैं 170 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा आपका 150 ठीक है, और यहाँ पे
एक सी और दे रखी है, दैट इज गिब्स आगे। तो इन सब को पुट करके अगर हम देखें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो अगर आप निकालेगा 170 राइट, दिस वन डिवाइड बाय 150 ओके 150, तो आपको 7.56 करीब में आएगा। ठीक है, अगर आप इससे निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 7.5 एमएम आएगा, जैसे हम पहले भी निकाला है। लेकिन ये अप्रोच जो है हम लोग शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको लोड दिया है तो हो सकता है लोड के हिसाब से वो चीज़ें डिफरेंट हो जाए, बदल जाए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे ना निकाल के हम लोग इस वे से निकालेंगे, लोड को स्ट्रेंथ इक्वेट करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट जो हमारा टीटी होगा राइट। इस तरीके से हम लोग टीटी निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं कुछ क्वेश्चन में ये चीज़ ना दिया हो राइट, कि ये सिंगल यू बट है, सीधा सिंगल ये दे दिया आपको कि बट वेल्ड है। अगर इस चीज़ को हम यहाँ नहीं देते, सपोज साइज ऑफ ए बट वेल्ड रिक्वायर्ड टू ज्वाइन, बट वेल्ड है तब उस केस में आप ये नहीं लगा पाते राइट। तो हम लोगों को टीटी निकालना होता तो इस तरीके से हम टीटी निकाल लेते हैं कि 7.56 mm है, और यही हो गया आंसर राइट, यही हमारा साइज हो गया। सो दिस इज अ साइज ऑफ वेल्ड, जो वेल्ड है उसका साइज हमको इतना रखना पड़ेगा 7.56 mm। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने बताया आपको, एक तो आप ये कर सकते हैं कि शॉर्टकट मेथड की हम लोग अगर पता चल जाए ये पार्शियल पेनिट्रेशन या कंप्लीट पेनिट्रेशन का केस है, दिया रहे गिवन है क्वेश्चन में, तो दिक्कत नहीं है निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी लोड दिया रहे तो हमको लोड को स्ट्रेंथ के इक्वल करके, मतलब पी के इक्वल कर देंगे है ना, पी के इक्वेट करके हम फिर टी निकालें ताकि हमारा एक्यूरेट आंसर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, दिस वन। एक और यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, डिजाइन अ वेल्डेड कनेक्शन बट वेल्ड फैशन रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स ऑफ 200 mm टू 12 mm एंड 200 mm इंटू 14 mm सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड ऑफ 360 kN, टेक परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 150। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम लोगों को क्या डिजाइन करना है कि हम लोग को किस साइज का हम लोग को यहाँ पे वेल्डिंग करना है, बस थ्रोट थिकनेस निकालना है, जो क्वेश्चन अभी आपने किया उसी तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको वेल्ड पता नहीं है कि किस तरह का वेल्ड किया दिया हुआ है, ठीक है, तो वो पता नहीं। चलिए तो गिवन क्या है हमारे पास, उसको लिखते हैं हम लोग। तो गिवन डेटा जो है विड्थ दिया है 200 mm जो प्लेट का है, थिकनेस जो है थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर 12 और 14 में देख लीजिए तो 12 लेंगे है ना, छोटा वाला लेंगे, ये हो गया थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, थिनर मेंबर और प्लेट जो यहाँ प्लेट लिखा हुआ था प्लेट। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग को लोड दिया है दैट इज पी दिया है 360, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको इक्वेट कर देंगे स्ट्रेंथ से, हमारा निकल जाएगा 360 × 10³ N। उसके बाद सिग्मा टी एफ जो है 150 दिया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जो आपका स्ट्रेंथ है और लोड है उसको इक्वल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज निकाल सकते हैं राइट। तो हम लोग चलते हैं साइज निकालते हैं, साइज ऑफ बट वेल्ड, ठीक है, साइज ऑफ बट वेल्ड कहने मतलब थ्रॉट थिकनेस, ठीक है, और इसको बोले टी टी, थ्रॉट थिकनेस निकालने की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वी विल क्या करेंगे हम लोग, पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा, ए इंटू सिग्मा टी एफ, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एल इंटू टी टी इंटू सिग्मा टी एफ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो P है राइट, P को हम लोग स्ट्रेंथ को हम लोग लोड के इक्वल करके पुट कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिए 360 × 10³ इक्वल टू लेंथ हमारा हो गया, यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं पूरे फेस पे वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, पूरा जो आपका विड्थ है उसमें वेल्डिंग करेंगे, इतना हम लोग एज्यूम करेंगे। तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग पूरा वेल्डिंग करने जा रहे हैं, तो L इज इक्वल टू बी दैट इज 200, ठीक है, 200 mm। अब इसको हम लोग 200 पुट कर देते हैं L को, टीटी तो हमारा पता नहीं है, उसके बाद ये 150 हो जाएगा दिया हुआ है। तो यहाँ से टीटी अगर निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग तो 360 × 10³ अपॉन 200 × 150 राइट। तो अगर आप निकालिएगा तो ये मुझे लगता है क्या आएगा आपको, 12 आना चाहिए,
ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। तो दिस ओके, इसको कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा 12 mm हमारा टी टी आ गया। ठीक है, वैसे भी अगर मान लीजिए 12 आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे कि 12 mm आया तो हम लोग को किस तरह का यहाँ पे वेल्डिंग करना पड़ेगा, राइट, 12 mm रिक्वायर्ड है, क्योंकि 12 से बिलो जाएंगे तो भी हमारा लोड बियर नहीं हो पाएगा, और 12 के ऊपर जाएंगे तो 12 के ऊपर जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, बट 12 से बिलो नहीं जा सकते, है ना। तो 12 mm जो है हमारा एक प्लेट का साइज भी है, देख रहे होंगे। तो ये अगर हम लोग जब ज्वाइन करेंगे दोनों को तो किस फैशन में करना होगा, तो देखिए जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमको 12 mm लेना पड़ेगा, तो एक प्लेट तो 12 mm का होगा ही, एक थोड़ा सा बड़ा प्लेट होगा, राइट, तो हमको कंप्लीट पेनिट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा मतलब यहाँ पे हम लोग को डबल यू डबल वी टाइप का बट वेल्ड डिजाइन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को वो भी बताना होगा कि हम लोग किस तरह का प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक लाइन और, यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे जो सेकेंड स्टेप में, प्रोवाइडिंग डबल यू बट जॉइंट। ठीक है, यही तो हमको करना था ना, ठीक है, बट वेल्ड, तो ये केस आपको दिखेगा, मतलब इसका आपको एक फिगर भी बना देना है। ठीक है, इस तरह से इधर दिखा दीजिएगा 12 mm, इधर दिखा दीजिए आप 14 mm, और उसके बाद आप यहाँ पे कंप्लीट डबल यू दिखाना है, डबल यू दिखा देंगे हम लोग, और इस तरह से ये दिखेगा आपको, राइट, इस तरह से ये हम लोगों को डिजाइन में दिखाना होगा लास्ट में कि हाँ हमने इस तरह का लिया है। ठीक है, टीटी आपका यहाँ पे 12 mm हो गया। ठीक, दो प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया और उसका लेंथ भी आप दिखा देंगे और ये क्रॉस सेक्शन दिखा, ये हमारा डिजाइन हो गया कि हमने वेल्डेड कनेक्शन डिजाइन किया है बट वेल्ड को, उसका साइज जो रखा है 12 mm। ठीक है, दिस इज द साइज, साइज हमने डिजाइन कर दिया, पैटर्न भी कर दिया कि ये डबल यू बट वेल्ड हमने लिया है, तो आपको जो सुटेबल है वो लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 12 mm हमारा साइज रिक्वायर्ड नहीं रहता, कम रहता, 7 mm 6 mm रहता, क्या होता, इससे घटेगा मतलब वो पार्शियल पेनिट्रेशन का हो जाता केस, राइट, लेकिन ये केस क्या है, कंप्लीट पेनिट्रेशन। तो ये डिपेंडिंग ऑन कि जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आप साइज निकल के आएगा उस हिसाब से आप पैटर्न बिछा देंगे, लेकिन इसे प्रोवाइडिंग डबल यू मैंने कहा यहाँ पे, क्योंकि तो हमको डबल करना पड़ेगा क्योंकि 12 mm हमारा टीटी आ रहा है। यही अगर हमारा बिलो आता, 5 आता, 6 आता, और प्लेट का साइज देखिए 12 है, 14 है, तो हमको 5-6 आएगा तो मतलब कम होगा, तो सिंगल होगा, पार्शियल होगा, तो वो केस होगा, राइट। तो आई होप इजीली क्लियर हो गई आपको, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो बट वेल्ड है इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। मेन अब हम लोग चलेंगे आगे, जो आपका फिलेट वेल्ड है वहाँ पे मेन है इम्पोर्टेंस है क्या कि वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जनरली कोई भी कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कोई भी प्लेट को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप देखेंगे वहाँ फिलेट वेल्ड का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हमेशा हम लोग एंड टू एंड जो है ये ज्वाइंट नहीं करते, जैसे हम लोग ये भी पढ़े थे बट ज्वाइंट पढ़े थे लिमिट में एंड टू एंड ज्वाइंट कर रहे थे, लेकिन जो वहाँ फिलेट वेल्ड में होगा वो लैपिंग ओवरलैप का केस आएगा, जैसे लैप ज्वाइंट पड़ते थे उस तरह का केस आएगा, वो काफ़ी पॉपुलर चीज़ है। ठीक है, अब उसका डिजाइन जो होगा थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, ये काफ़ी ईजी, ठीक है, दिस इज 18 है, और आप लोग करिए प्रैक्टिस, और हम लोग फिर आगे चल के और न्यूमेरिकल्स जो भी आपको डाउट होंगे वो करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए एक चीज़ और देखते हैं, ये टर्मोलॉजी की बात करी जाए, इसमें हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, जो वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, ये बट वेल्ड का केस दिख रहा होगा आपको, बट वेल्ड का केस है, जैसे फ्लेट वेल्ड का दिख रहा होगा, दोनों में देखेंगे तो ये जो पोर्शन दिख रहा होगा, अगर ये सिंगल वी का केस है देखेंगे आप, तो क्योंकि यहाँ पे वी बन रहा है, राइट, तो जो ये जोन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन जोन बोल रहे हैं, राइट, ये चीज देखिए फ्यूजन जोन बोल रहे हैं, ये जो है वेल्ड फेस बोल रहे हैं इसको हम लोग, यहाँ से यहाँ तक सबको हम लोग वेल्ड जोन बोल रहे हैं, जहाँ तक इफेक्ट होता है, जहाँ तक हीट अफेक्टेड जोन लिखे यहाँ लिखा हुआ, एक होता है जो बॉटम में सबसे आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोले रूट, ठीक है, वेल्ड रूट। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा समझिए चीज़ों को कि हाँ कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है, वही है प्लस जो मेटल को हम लोग ऐड करते उसको बोलते हैं पेरेंट मेटल, वेल्ड मेटल क्या होता है जिस मेटल से हम लोग उसको मेल्ट करके कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है जो गैस है आर्क है
और अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डैट हम लोग इसको वेल्डिंग करेंगे, और ये फिलेट का कॉन्सेप्ट है जिसमें देख लीजिए 90 डिग्री का ज्वाइंट दिख रहा होगा, मतलब इस तरह से प्लेट आ रहा है और इसको हम लोग को ज्वाइंट करना है। तो इस तरह के काफ़ी केसेज आते हैं जहाँ पे ये एंगल 90 यहाँ है लेकिन कहीं हो सकता है थोड़ा अलग भी हो, ठीक है, अलग भी हो प्लेट को ज्वाइन करना हो, तो ये भी फ्लेट में ही आएगा। तो ये चीज़ें आएंगी, चलिए हम लोग देखेंगे। और उसके बाद यहाँ भी ये जो फेस होता है उसको बोलते हैं बेल्ट फेस बोलते हैं, ठीक है, जो मेटल ज्वाइंट कर उसको पैरेंट मेटल बोल रहे हैं, ठीक। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोलते थे थ्रॉट थिकनेस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थ्रॉट थिकनेस किसको बोलेंगे, ये वाला पोर्शन को, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रॉट थिकनेस TT। और ये जो पोर्शन है इसको हम लोग लेग बोलेंगे, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग लेग बोलेंगे, ठीक है। तो किसी केसेज में होगा कि दोनों इक्वल होगा, ठीक है, S1 इक्वल टू S2 हो सकता है, तो दोनों लेग इक्वल लेग फ्लेट बिल्ड होगा या अनइक्वल लेग फ्लेट बिल्ड हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो हम लोग अब चलते हैं फ्लेट बिल्ड की ओर चलते हैं और कुछ टाइप्स को देखते हैं आज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं आज, और इन कमिंग क्लासेस हम लोग उसका डिजाइन करेंगे। चलिए आप यहाँ देख लेते हैं हम लोग, दिस इज स्टैंडर्ड फ्लेट बिल्ड जिसमें कि हमारा दोनों लेग सेम है, देख रहे हैं ये लेग और ये लेग, यहाँ पे S1 इक्वल टू S2 है, ठीक है, दैट इज S, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं साइज ऑफ वेल्ड, फिलेट वेल्ड। तो आपको थोड़ा सा देखिए डिफरेंस दिखा होगा दोनों में, बट वेल्ड और फिलेट में, यहाँ फिलेट वेल्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, जो लेग का साइज होता है उससे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं कि ये है साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है, लेग साइज। और यहाँ पे जो थ्रॉट थिकनेस होता है दिस इज द थ्रॉट थिकनेस TT, और ये 45 45 क्यों हमारा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, आपने ट्रायंगल देखा होगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना, ये दोनों जब इक्वल होगा उसके बाद ये 45 ये 45 भी आप जानते हैं, ठीक है, ये चीज़ें, ये 90 डिग्री। तो ये चीज़ें हैं, प्लस जो भी अभी मैंने बताया वो टर्मोलॉजी की, हाँ ये बेल्ट फेस हो गया, ये जो है फ्यूजन जोन है अंदर जो देख रहे हैं आप, ठीक है, बस यहाँ न्यू क्या है, ये थ्रॉट थिकनेस पर ध्यान दीजिए, एक लेग पर ध्यान दीजिए, ठीक है, लेग क्या होता है, तो लेग को ही हम लोग बोलते हैं साइज। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और क्या टाइप हो सकते हैं इसके, तो देखेंगे, दिस इज स्पेशल फ्लेट वेल्ड। इस केस में देखिए एक लेग जो है आपका बड़ा है, एक लेग छोटा है, ठीक है, उसके बाद ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, ठीक है, दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ फ्लेट वेल्ड, तो दिस कैन बी अ टाइप ऑफ फ्लेट वेल्ड, ठीक है, तो बाकी चीज़ें सेम है। चलिए, तो दिस इज जस्ट लाइक जो जो आपने लेफ्ट ज्वाइंट देखा है ना, उसी तरह की ज्वाइंट है, राइट, यहाँ पर भी हम लोग ओवरलैपिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो कभी कभी फ्लेट बेल्ट को ओवरलैप बेल्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो प्लेट है, दोनों को ज्वाइंट करना है, ये ओवरलैपिंग आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये जो है वेल्डिंग करना है, तो यहाँ वेल्डिंग कर सकते हैं, इस पोर्शन को वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट मैंने बताया होगा आपको, वेल्डिंग में क्या होता है, यहाँ डिडक्शन नहीं होता है, जैसे हम लोग वहाँ क्या करते थे, जो प्लेट्स है उसमें हम लोग डिडक्शन करते थे, वो चीज़ यहाँ नहीं करनी आपको, राइट, यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या करना है, इस दोनों मेटल को एडिशनली यहाँ पे वेल्डिंग से ज्वाइन करना है, ठीक है, वेल्डिंग जो प्रोसेस है उससे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स है वो काफ़ी सही रहेगा कंपेयर टू जो आपका रिपीटेड ज्वाइंट में करते हैं, जहाँ डिडक्शन होती थी, जहाँ डिडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये ज्वाइंट जो होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा जो भी वेल्ड की बात कर रहे हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं हम लोग और क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इसमें देखेंगे कॉनकेव फ्लेट वेल्ड हो गया, एक कॉन्वेक्स हो गया, एक मीटर्ड फ्लेट वेल्ड हो गया, तीनों में क्या है, देखिए जो ये वेल्ड फेस है अगर कॉनकेव है तो हमारा कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेल्ड फेस हमारा ये दोनों टाइप हो सकता है, तीनों टाइप हो सकता है, ये जो डिपेंडिंग ऑन जो फेस है। उसके अलावा बाकी चीज़ें तो सेम है, साइज साइज जो लेग साइज होगा दोनों वही रहेगा, इधर जो है दोनों सेम रहेगा, तो इक्वल हो गया, दोनों अलग रहेगा तो अनइक्वल हो गया, तो इस तरह से। प्लस ये जो डिस्टेंस आपको देख रहा है ये है आपको बोलते हैं थ्रॉट थिकनेस, ये जो देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं थ्रॉट थिकनेस, दिस इज कॉल्ड थ्रॉट थिकनेस, ओके। तो ये आपको निकालने आना चाहिए थ्रॉट थिकनेस क्या होगा। जैसे अगर हम एक केस की बात कर ले, जैसे ऐसे अगर हो और मान लिया जाए इधर भी एस है इधर भी एस है, दोनों साइज इक्वल है, ये 90 है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए हम लोग परपेंडिकुलर खींचा, तो अब हम लोग अगर TT ये बोल रहे हैं कि ये TT है, तो अगर आप निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, तो जब आप इसका प्रोजेक्शन लीजिएगा इस एस का इस टीटी के लॉन्ग, ठीक है, इसके लॉन्ग, तो जैसे आप कॉस 45 की बात करिएगा, जैसे मान लीजिए कॉस 45 या आप साइन 45 लेके देख लीजिए, तो आपको क्या आएगा,
देखिएगा कि कॉस 45 भी करेंगे तो हमको आ जाएगा टी टी अपॉन एस हो गया, मतलब अगर टी टी की बात करेंगे तो 1/√2 इसका, क्योंकि 1/√2 होता है, इंटू एस हो जाएगा। तो टी टी अगर आप देखेंगे 0.707 एस कुछ आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको एस पता है, लेग साइज पता है, अगर साइज ऑफ फ्लेट वेल दिया है तो आप टी टी निकाल सकते हैं, थ्रॉट थिकनेस निकाल सकते हैं, राइट। थ्रॉट थिकनेस का एक अलग इंपॉर्टेंस है, अभी समझ में आएगा आगे चल के डिजाइन में जाएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। प्लस इसलिए इसको क्या है कि के एस लिखते हैं, जो कॉन्स्टेंट दिख रहा है आपको तो के लिखते हैं, तो के इज अ कॉन्स्टेंट। ये डिपेंड किस पे करेगा, जो एंगल है, ठीक है, जिस एंगल पे हमारा प्लेट ऐड हो रहा है, मतलब ये जो एंगल है इस पे डिपेंड करता है। तो ये एंगल पे डिपेंड करेगा, अब एंगल जो है जिस जिधर रहेगा, ठीक है, जितना इसका साइज वेरी करेगा उस तरह से आपका के वेरी करेगा, उस तरह से ये वेरी करेगा, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। उसके बाद जो है आगे चलते हैं इसमें, यहाँ देख लीजिए लास्ट जो है इसमें भी टाइप्स कुछ दिखा रहे हैं आप लोग, टाइप्स ऑफ फ्लेट वेल्ड। तो इसमें जो टाइप्स दिख रहे हैं बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन के बेसिस पे, इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर पे एक आपको प्लेट दिख रहा होगा, एक प्लेट ये दिख रहा है, ठीक है, दो प्लेट को हम लोग ऐड कर रहे हैं। और दोनों को ऐड करने के बाद एक देखिए यहाँ, ये जो ओरिएंटेशन के हिसाब से ये डायगोनल की तरह लग रहा है, इसको डायगोनल फ्लेट वेल्ड बोल दिया, इसको एंड फ्लेट वेल्ड बोल दिया, इसको साइड फ्लेट वेल्ड बोल दिया, इसको साइड फ्लेट वेल्ड बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। तो ये चीज़ें हैं और हम लोग क्या करने वाले हैं कि आगे चल के इसका डिजाइन करेंगे। तो इस क्लास में यहाँ इतना ही करेंगे हम लोग, और ये चीज़ों को आप लोग एक बार देख लेंगे, जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताया उसको आप लोग करेंगे, ठीक। और जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अभी दिया आपको, फ्लेट वेल के बारे में बताया, जो साइज के बारे में बताया, जो उसका थ्रॉट थिकनेस होता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट है आपको बट जॉइंट से, जो बट वेल्ड की बात कर रहे थे उससे, तो ये थोड़ा सा आप समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे एंड देन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद डिज़ाइन ऑफ फिलेट वेल्ड, और डिजाइन करेंगे। और उसके लिए आप लोग थोड़ा सा क्या करिएगा, जो मॉस में आपने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको एक बार देख लीजिएगा, एक बार आप सीयर को देख लीजिए, सीयर स्ट्रेस जो निकालते थे, ठीक है, वो देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी वाइटल है, ठीक है, कि आप चीज़ों को समझें, राइट। जो फ्लेट वेल्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन रहता है, और सिलेबस में नहीं आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है। तो फ्लेट वेल्ड के बारे में अच्छे से हमें पढ़ना है, इसलिए प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग अभी से समझने लगे, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात हम कहेंगे तो आपको तुरंत आना चाहिए, तो उसको आप लोग देखेंगे। सो इन दिस सेशन दैट्स इट फॉर ऑल, सो मीट यू इन द सेकेंड सेशन, ठीक है, थैंक यू।